तो ओके बच्चों, पिछली वीडियो हमने ऐसे ही छोड़ दी थी पार्ट वन करके। अब इस पार्ट टू में हम देखने वाले हैं कि इसमें हम वेलकम कुछ नहीं करेंगे आप लोगों का। पार्टनरशिप डीड, ओके, पार्टनरशिप डीड क्या है? पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तुरंत जाओ, पहले पिछली वीडियो देख कर आओ, तब आओ उस वीडियो पे, वरना मत आओ। तो अपने को देखना पार्टनरशिप डीड क्या, पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में कब आती है? एक रिटर्न या ओरल एग्रीमेंट के द्वारा एग्जिस्टेंस में कब आती है? रिटर्न एग्जिस्ट टेंस में कब आएगी बाबूजी? एक रिटर्न या ओरल, रिटर्न और ओरल एग्रीमेंट के द्वारा आएगी, ठीक है कि नहीं? अब जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसी को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अब यहाँ पर लिखा है इट इज बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। हाँ, कि एक सबसे बेस्ट चीज है ये कि एक रिटन एग्रीमेंट हो पार्टनर्स के बीच में, सब कुछ लिखा हो, हर एक चीज लिखी हो कि क्या रहने वाला है क्या नहीं रहने वाला है, जिससे डिस्प्यूट आगे बढ़ने वाले कोई झगड़े की संभावना तब कम रहती है। और रहता है तो वो कहता है कब बोला तूने, मेरे को तो याद ही नहीं तूने कब बोला, तो इसलिए रिटन ज्यादा बेटर रहता है। अब हाँ, अब इसमें लिखा क्या रहता है भाई साहब, वो देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स के नाम, कहाँ रहते हैं, एड्रेस वगैरह। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म, फॉर्म का क्या नाम है, एड्रेस कहाँ पर है फॉर्म का। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की, मतलब प्रिंसिपल प्लेस मतलब हमारा इस, मतलब मेन बिजनेस कहाँ पर है। मान लिया आज इन्फिनिटी यहाँ पर है, लुधियाना में है, बाद में दिल्ली जाए, गुड़गांव जाए, हरियाणा जाए, कहीं भी जाता रहे, तो अपना प्रिंसिपल प्लेस ही लुधियाना ही रहना, क्योंकि प्रेसिक अपना हेडक्वार्टर यही है, ठीक है। बाद में ब्रांचेस खुलती रहे, वो बात की बात होती है। नेचर ऑफ बिजनेस, हमारा बिजनेस का नेचर क्या, जैसे अपना क्या है, एजुकेशन सेक्टर है, किसी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, किसी का कुछ है, ठीक है। नेचर, कमिटमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कि भाई साहब कब तक हम पार्टनरशिप रहने वाले हैं, कब तक हमसे, आज मान लो कितनी तारीख है आज, यार आज मान लिया 27 अप्रैल है, ऐसे ही मान लिया 27 अप्रैल है, तो आज 27 अप्रैल से कब तक हम रहने वाले हैं, सब आज एंटर किया है कमिटमेंट। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन कितने कितने पैसे लगाने वाला है, मान लो मैं गरीब हूँ मैं कम लगाऊंगा, आप अमीर हो आप ज्यादा लगाओगे, तो ऐसे ही अपने कितने पहले से डिसाइड रहता है कि कौन कैपिटल कितनी ज्यादा लगाने वाला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसने जो कैपिटल लगाई है उस पर उसको इंटरेस्ट मिले। कैपिटल क्या है, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस, ठीक है, फिर वो कैश की फॉर्म में हो या मशीनरी की फॉर्म में हो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, किसी ने अगर ड्रॉइंग की है तो उस पर ब्याज लगेगा भाई साहब। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, के दोनों के बीच में क्या रेशियो रहने वाली है प्रॉफिट की। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल हमारी की वैल्यू क्या रहने वाली है, गुडविल की वैल्यूएशन किस मेथड से होगी, कब कब करनी चाहिए। कहाँ गए, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, कि पार्टनर को सैलरी कितनी मिलनी चाहिए, अगर क्यों कौन एग्री कर रहा है, पेड होना चाहिए किसी को कमीशन सैलरी की नहीं। इंटरेस्ट ऑन उनको लोन, कोई लोन देता है तो उसको लोन मिलना चाहिए कि नहीं। अकाउंटिंग पीरियड कितना रहना चाहिए, 31 मार्च को एवरी ईयर रखना है कि 31 दिसंबर को रखना है। राइट्स एंड ड्यूटीज, कौन सी पार्टनर की क्या राइट रहेंगी, किसकी क्या क्या ड्यूटी रहेगी। अब कि इंपॉर्टेंस क्या है भाई साहब इस पार्टनरशिप डीड की, पार्टनरशिप डीड इज एन इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट। क्या है भाई साहब ये लीगल डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट, ओके। अब ये लीगल डॉक्यूमेंट तो है, अब इसके बाद क्या बोल रहा है, विच डिफाइन रिलेशनशिप अमंग द, जो पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव रिटन पार्टनरशिप डीड टू अवॉइड सेटलमेंट, सेटल पॉसिबल डिस्प्यूट, मतलब कि ये जरूरी है कि एक रिटन एग्रीमेंट हो दोनों पार्टनर्स या जितने भी पार्टनर हैं उन सबके बीच में, ताकि फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट कम से कम हो। ओके, इट गवर्न्स द ड्यूटीज लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर, इसमें राइट्स लिखी होती हैं उनकी ड्यूटीज और उनकी लायबिलिटी क्या क्या है पार्टनर की, वो सब इसमें राइट डाउन होता है। डिस्प्यूट्स अराइजिंग एनी ऑफ द, अगर दोनों के बीच में कोई भी झगड़ा होता है दो पार्टनर के बीच में, तो बाद में उनको एग्रीमेंट दिखा सकते हैं, देख भाई यहाँ पे तूने साइन किए तो हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि तू 1 रुपया ही लेगा, फिर चाहे अपना 1 करोड़ का प्रॉफिट, तो 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो भी तेरे को 1 करोड़ रुपया ही दूंगा मैं, बाकी रुपया मतलब तेरे को 1 रुपया ही दूंगा, बाकी पैसा अपनी जेब में रखूंगा, ठीक है। अब बात क्या कर रहे थे, क्या क्या ये पार्टनरशिप डील बनाना जरूरी है, नहीं। जवाब क्या है, नहीं, हमारा जवाब है नहीं, पार्टनरशिप डीड जरूरी नहीं है। पर अब पार्टनरशिप डीड ही नहीं होगी भाई साहब तो काम कैसे चलेगा, तब काम कैसे चलेगा आज और बताते हैं, तब क्या रहने वाली है केसेस में, ठीक है। अब मेन जवाब कि नहीं रहेगा तो अब क्या रहेगा, जब सबको पता है तुम्हारी क्लास में तुम्हारे सर ने भी इसको टपड़ी मार मार के तुम्हारे सर पे सिर खा लिया हुआ इस चीज से लेकर कि पार्टनरशिप डीड साइलेंस है या एब्सेंस है या नहीं है, तो अब क्या हो गया, देखो ध्यान से सुन लो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहने वाला है, प्रॉफिट स्लैश शेयरिंग रेशियो रहेगा इक्वली, क्या इक्वली प्रॉफिट शेयर होगा।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप में से किसी को भी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो जब डीडी नहीं की तो कितना घाटा, वो ड्राइंग करे मजे करे तो बार बार ड्रॉ करेगा पार्टनर, बार बार मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे भी चार्ज नहीं लगेगा, इसलिए वो ड्रॉइंग करेगा मजे करेगा, इंटरव्यू में ब्याज लगना ही नहीं है, उसको कोई घाटा ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब भाई साहब लोन दिया है ये तो बड़ी पुण्य का काम है, लोन दिया तो उस पे उसको ब्याज मिलेगा 6% पर एनम के हिसाब से, 6% पर एनम के हिसाब से, ओके। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट मींस अब मतलब कि अगर प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो तुमको इसको लोन बंदे को देना ही पड़ेगा, लोन पे इंटरेस्ट। रेम्यूनरेशन, पार्टनर्स को सैलरी कमीशन वगैरह कुछ नहीं मिलने वाली भाई साहब, कुछ नहीं मिलने वाली है, कोई डिसाइड नहीं। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कि भाई साहब नया पार्टनर एंटर नहीं कर सकता, हमारे पिछले हमने क्या बात की थी पहले रमन जी की बात की थी हमने कि रमन जी आना चाहती हैं बिजनेस में पर रमन जी को हम एडमिट नहीं करेंगे जब तक सारे के सारे पार्टनर मैं सुरेश रमेश जब तक एग्री नहीं कर जाते तब तक रमन जी पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर नहीं कर पाएंगी, ओके। एटलास्ट आज की वीडियो में ही खत्म कर रहे हैं, आगे हम थोड़ी सी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करेंगे, ओके। भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ओके।